हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉम्स किचन। मैं हूं ममता। वॉफल का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली वॉफल्स तो मीठे ही होते हैं, हम उसे मीठे से ही रिलेट करते हैं। लेकिन आज मैं बना रही हूं एक सेवरी वॉफल, जिसे मैं प्रेजेंट करूंगी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के साथ, और साथ में बनाएंगे एक चीजी डिप। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर बना के ट्राई कीजिए एक बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलते हैं किचन में। फॉर मेकिंग वॉफल पहले हम बैटर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए ये ग्रीन दाल, ग्रीन मूंग दाल स्प्लिटेड, जिसे मैंने 4 to 5 hours के लिए सोक करके रखा था। इसे हम पीस लेते हैं। इसे पीसने से पहले हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिलीज, जो मैं ले रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 ले रही हूँ। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये 1 inch का टुकड़ा है जिंजर का। इसमें जाएगा सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, ये भी 2 teaspoon है। और फिर बाद में हम इसे टेस्ट कर लेंगे, कम ज़्यादा कम होगा तो हम और डाल देंगे। तो इसे हम पीस लेते हैं। इसे हमें कोर्स पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। सो अ बैटर इज़ रेडी नाउ। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ये देखिए इतना थिक चाहिए हमें। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर मिक्स करेंगे, ये 1 teaspoon रेड चिली पाउडर है। और ये मैं गार्लिक डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए। ये 4 to 5 गार्लिक है जिसे मैंने क्रश कर लिया था। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और 10 minutes का रेस्ट देना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अब मैं एक टॉपिंग रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें वेजिटेबल सौते करना है। तो मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल, ये 1 tablespoon के करीब ऑलिव ऑयल है। इसे हम गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है, पहले हम डालेंगे इसमें गार्लिक, ये 3 to 4 गार्लिक है जिसे क्रश कर लिया है मैंने। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये गाजर। अब इसमें हम डालेंगे बेबी कॉर्न, जिसे मैंने ब्लांच कर लिया था। इसमें जाएगा जुकीनी, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर। तो ये ऑनियन डाल रहे हैं हम। इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेजरमेंट्स नहीं बताए हैं, क्योंकि इसे आप कम ज़्यादा जो जिस क्वांटिटी में आपको बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसलिए मैं मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ। इसे हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से स्टर करना है। इसमें हमें क्रंच रखना है, इसे बिल्कुल ओवर कुक नहीं करेंगे हम, तो इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और सॉल्ट। मिक्स इट वेल। इसमें मैं डाल रही हूँ येलो चीज स्लाइस, ऐसे ही जस्ट पीस करके डाल देना है इस तरह से रफली, इससे थोड़ा बाइंड आएगा इसमें और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। इसे हमें 2 to 3 minutes कुक करना है हाई फ्लेम पर, और फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो अब हम क्विकली एक चीज सॉस रेडी करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये दूध, ये 1.5 cup के करीब मिल्क लिया है मैंने। इसे हम गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे चीज स्लाइस, येलो चीज स्लाइस। तो अभी मैं 3 slices डाल रही हूँ। फिर हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और अगर हमें कम लगा तो हम और डालेंगे। इसे हमें मेल्ट करना है इसमें। तो ये चीज स्लाइस को इस तरह से पीसेस में काट के डालना है। इसे हमें मिक्स करना है। ये देखिए अभी चीज पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है, अभी टाइम है थोड़ा, पर मुझे चीज थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें मैं और चीज स्लाइस डाल रही हूं। तो मैं 2 चीज स्लाइस और डालूंगी इसमें। और इसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है। ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिन है, हमें थोड़ी और थिक चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करूंगी। तो
तो ये हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लावर है जिसमें मैंने दूध मिक्स किया है, इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है। पहले 1 टीस्पून डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे अच्छे से इसे। ये सॉस ठंडा होके थोड़ा थिक हो जाएगा, इसलिए इसे हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, थिन ही रखेंगे। इसमें मैंने येलो चीज़ यूज़ की है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है चीज़ सॉस बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास येलो चीज़ नहीं है तो आप वाइट चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ब्रिटानिया की येलो चीज़ यूज़ की हुई है। तो अब ये देखिए, ये एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है चीज़, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये इतनी थिन है पर ये थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो अब हम वॉफल बनाते हैं। इसके लिए मैं ये इनो ले रही हूँ, इसे हम डालेंगे 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून और लेंगे, हाफ टी स्पून। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये वॉफल मेकर है मेरे पास, जिसे मैंने 10 मिनट्स पहले प्रीहीट कर लिया था। इसमें कोई टाइमर नहीं है तो इसलिए आप अपने अंदाजे से इसे प्रीहीट कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे ताकि हमारे वॉफल चिपके नहीं। अब हमें इसमें 2 टीस्पून के करीब इस तरह से इस बैटर को डालना है। बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ज्यादा डाल देंगे तो बाहर निकल आएगा, तो आप पहले थोड़ा कम ही डाल के देखिए। और इस तरह से इसको हल्का सा ऐसे स्प्रेड कर देंगे। मैंने ये 2 टेबलस्पून के करीब डाला है। इसे हम बंद कर देंगे और हमें इसे 5 से 7 मिनट्स तक ग्रिल करना है। 7 मिनट्स हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी और अच्छे लग रहे हैं ये। इसे हम निकाल लेते हैं। अगर आपको और क्रिस्पी चाहिए तो 2 मिनट्स और रखिए, बट ये हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से एकदम ब्राउन। और इजीली निकाल सकते हो आप इसको, बिल्कुल चिपकता नहीं है ये देखिए। तो अब हम इसे सर्व करते हैं।